तो ये वीडियो टॉपिक ये है कि मॉक टेस्ट में चैप्टर याद नहीं आते। तो ये क्वेश्चन जो था ना, मुझे फर्स्ट ईयर में किसी ने पूछा था कि जब मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा, पर जब मैं चैप्टर पढ़ के उसके बाद वो चैप्टर के पी वाई क्यूज कर रहा हूँ तो उनको याद आते हैं सब कुछ। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इसको सॉल्व करूँ? चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें अगर पी वाई क्यूज आ रहे हैं ना, मतलब तुम चैप्टर किकअप कर चुके हो, तुम्हें बेसिक से आता सब कुछ अच्छे से हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा मॉक टेस्ट में दिक्कत हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ रिविजन हो रहा है। लैक ऑफ रिविजन मतलब क्या, समझो मैंने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, फॉर्मूला रट्टा मार ली और मैंने पी वाई क्यूज कर लिया, तो वो आसान है, मतलब उसमें क्या क्या अभी 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 स्कोर हुआ है तो वो निकालना ईजी है, मतलब कि हाँ अभी क्या ला अभी निकाल लिया ऐसा। जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो भाई वो जो है ना, क्या बोलते हैं, घूसे में से सुई निकालने की जैसे, क्या तो तुम्हें, तुमने इतने सारे फॉर्मूलाज पड़े हुए उसमें से तुम्हें घूम के निकालना जल्दी से जल्दी कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए ना ये चीज़ करो, क्या करो तुम्हें ना ज़्यादा फायदा होगा, क्या करो तुमने, तुम आज वॉक पे गए या फिर तुम शांति से बैठो, ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाओ कोई भी मन में, ठीक है, अभी क्या करो पूरा रिविजन करो खुद के मन में, क्या क्या चैप्टर में था, पहले ये चीज़ थी, इतनी एफिशिएंसी थी, पैकिंग एफिशिएंसी ये थी, ये इसका ये था, इसके इतने सारे टाइप्स है सब कुछ, ठीक है, जितना याद आ रहा है अभी तुम्हें पता चल गया कि भाई मुझे क्या याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इससे इसके बाद तो वो जो याद नहीं आना उसको वापस रिविजन करो, और जब भी तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा जो ये चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब तुम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते ना अपने माइंड में, अपने माइंड से निकालने की, माइंड से निकालना भी तो एक स्किल ही है ना, कि मतलब तुम सब कुछ माइंड से जल्दी से निकाल पा रहे हो जो भी तुमने याद किया, तो वो चीज़ अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारा ये चीज़ भी सुधर जाएगा मॉक टेस्ट भी, और तुम ये नहीं कर रहे इसे तुम्हारा फिलहाल बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हेल्प की है तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब तो ठीक है, तो मिलता है तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर